Welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 10th May 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download April 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. There is an announcement for students. We at SPMIS Academy are starting a new course, Foundation Batch, for both APSC and UPSC aspirants. This course right now will be available in online mode only. Later on, students can switch to offline mode also. जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो तीन डेमो लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं बाय लॉगिंग इनटू SPMIS ई क्लासेस, और ये क्लासेस आपको मिलेंगे बाय डाउनलोडिंग आवर SPMIS ई क्लासेस ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर। तो तीन फ्री डेमो क्लासेस हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। आपको इसके लिए हमारे SPMIS ई क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से, और यहाँ पे आपको ये तीन क्लासेस फ्रीली मिल जाएंगे। हम इस SPMIS ई क्लासेस ऐप का लिंक भी आज के कमेंट सेक्शन में आपको दे देंगे इन द टुडेज वीडियो। दिस इज द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। द फर्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम एडिटोरियल सेगमेंट। इट इज अबाउट एकेडमिक बैंक क्रेडिट, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially sub segment education point of view। तो समझते हैं कि academic bank credit है क्या। तो देखिए, जो हमारी national education policy 2020 यानी कि last year जो adopt की गई थी, उसमें सबसे ज़्यादा focus किया गया था on providing flexibility to the students। flexibility in the sense कि वो अपने मन मुताबिक पढ़ें, जो course उनको मन उनमें जिनमें उनका interest है वो पढ़ें, अपने हिसाब से अपने pace से पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल, अभी कैसा होता है कि देर इज अ वेल डिफाइंड कोर्स, आपको अगर इंजीनियरिंग पढ़नी है उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है तो ये सारे कोर्सेज आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने ही होंगे, तो उनमें ऑप्शंस नहीं होते ज़्यादा। लेकिन अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 नाउ देयर विल बी मोर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एट देयर ओन पेस। किसी बच्चे को मान लो फास्ट करना है, 4 साल का कोर्स 2 साल में करना है, किसी को 4 साल का कोर्स आराम से करना है, समझ समझ के करना है, तो वो आराम से कर सकता है, अपने हिसाब से कर सकता है, अलग अलग कोर्सेज अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है, पहले कैसा होता था जैसे मैंने आपको बताया, एक सेट ऑफ कोर्स दे दिया जाता था एक प्रोग्राम के अंदर। मान लीजिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम एट IIT कानपुर, तो वहाँ पे जो सेट कोर्सेज हैं उसके अंदर वही आपको पढ़ने हैं, आप कुछ भी अपने मन मुताबिक नया नहीं पढ़ सकते, इनमें से कुछ आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन अब द स्टूडेंट्स आर अलाउड टू मेक स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन और स्पेशलाइजेशन विथ हेल्प ऑफ दिस एकेडमिक बैंक क्रेडिट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस फिगर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एकेडमिक बैंक क्रेडिट, कि जब भी कोई स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए कॉन्सेप्ट है, पहले इस बात का ध्यान रखना, ये सेकेंडरी या प्राइमरी एजुकेशन के लिए नहीं है। तो हायर एजुकेशन में मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट अपना अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को परसू कर रहा है, उस टाइम में मान लीजिए उसको कोई कोर्स कॉलेज ए का पसंद आया तो वो भी ले सकता है, वो उसी टाइम में इसको कोई कॉलेज बी का कोई कोर्स पसंद आया तो वो भी साइमल्टेनियसली ले सकता है, कॉलेज सी का कोई कोर्स पसंद आया तो वो भी साइमल्टेनियसली वो ले सकता है, और ये सब कुछ वो एक्यूमुलेट करेगा इन हिज एकेडमिक बैंक क्रेडिट। समझिए कैसे ये काम करेगा, इस फिगर की मदद से समझिए। ये स्टूडेंट है, और अब एक जैसे हमारा बैंक होता है, बैंक अकाउंट होता है, वैसे ही एक एकेडमिक बैंक होगा। अब इसको मान लीजिए कि कोई डिग्री करनी है कॉलेज ए से, तो कॉलेज ए से इसने वो डिग्री ले ली, वो कोर्स ले लिया। आप समझिए इस बात को कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसका एक सब्जेक्ट इसको IIT कानपुर से पढ़ना है, दूसरा सब्जेक्ट इसको IIT रुड़की से पढ़ना है, तीसरा सब्जेक्ट इसको IIT दिल्ली से पढ़ना है, मान लीजिए। तो कॉन्सेप्ट वाइज तो ये एक सब्जेक्ट या उसकी एक जो डिग्री है वो एक कोर्स जो है वो कॉलेज ए से इसने कर लिया, और ये कोर्स जब कंप्लीट करने के बाद ये क्रेडिट, इस कोर्स का क्रेडिट ये अपने एकेडमिक बैंक में जमा करा सकता है। फिर इसको दूसरा कोर्स कॉलेज बी से लेना था, उसने कॉलेज बी से वो दूसरा कोर्स कंप्लीट किया और उसने फिर से अपने एकेडमिक बैंक में जमा करा दिया। तीसरा कोर्स इसको कॉलेज सी से करना था, वहाँ से इसने तीसरा कोर्स किया और उसको अपने एकेडमिक बैंक में जमा करा लिया। मान लीजिए कि अब एक
पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंतर्गत जितने भी कोर्स चाहिए थे वो सब इसने कर लिए अलग अलग कॉलेजेस से, अलग अलग सोर्सेज से, और सारे के सारे कोर्सेज को इसने अपने एकेडमिक बैंक में जमा करा दिया एक प्रोग्राम के अंदर। मान लीजिए कि जैसे सिविल इंजीनियरिंग है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो उसका फर्स्ट ईयर इसने कॉलेज ए से कर लिया, सेकेंड ईयर कॉलेज बी से, थर्ड ईयर कॉलेज सी से, फोर्थ ईयर कॉलेज डी से, सब कुछ वह अपने एकेडमिक बैंक में ये कोर्स जमा करता जा रहा है। जब सारे के सारे कोर्सेज एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंतर्गत, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 4 साल का प्रोग्राम होता है, तो सारे के सारे कोर्सेज इसने अपने एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंतर्गत कवर कर लिए, तो उसके बाद इस एकेडमिक बैंक से इसको डिग्री मिल जाएगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इस पर्टिकुलर केस में। तो ये है नया कॉन्सेप्ट एकेडमिक बैंक क्रेडिट का। आप पैसा डालते जाते हैं जैसे अपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट का या रिकरिंग डिपॉजिट आप करते जाते हैं, एक सर्टेन पीरियड के बाद आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाता है, वैसे ही एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी कोर्स चाहिए वो सब आप डालते जाइए, कंप्लीट करके डालते जाइए अपने एकेडमिक बैंक में, और जब सारे के सारे कोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे एक पर्टिकुलर डिग्री के लिए, तो आपको फिर वो डिग्री मिल जाएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एकेडमिक बैंक क्रेडिट। दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन ब्रॉट अंडर नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम 2020। अब ये करेंटली न्यूज में क्यों है? क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो पिछले साल लाया गया, तो हाल फिलहाल में न्यूज में इसलिए है क्योंकि पिछले साल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बस ऐसा रिकमेंडेशन दिया था कि ऐसा हमें कुछ करना चाहिए, एक एकेडमिक बैंक क्रेडिट जैसा कुछ कॉन्सेप्ट लाना चाहिए दैट विल प्रोवाइड आवर स्टूडेंट्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन अब उस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करते हुए हमारी UGC ने ये कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया और एक एकेडमिक बैंक क्रेडिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया है। इसके हिसाब से देयर विल बी अ वर्चुअल रिपोजिटरी और डाटाबेस, तो एक ऑनलाइन डाटाबेस होगा जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग या आपका गूगल ड्राइव है, उस तरह का एक ऑनलाइन डाटाबेस होगा। आप अपने कोर्सेज करते जाइए, आप अपने डिग्रीज सबमिट करते जाइए, उसकी सॉफ्ट कॉपी सबमिट करते जाइए, अपने कोर्सेज कंप्लीट करते जाइए, अपनी सॉफ्ट कॉपी अपने इस एकेडमिक बैंक क्रेडिट में जमा करते जाइए, और धीरे धीरे जब सारे कोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी। लेकिन एक कोई भी कोर्स अगर आप करते हैं या कोई भी क्रेडिट आप लेते हैं तो दैट विल बी वैलिड ओनली फॉर 7 ईयर्स। ये नहीं कि आप जिंदगी भर कोर्स किए जा रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, एक सेमेस्टर का कोर्स 6-6 साल में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपने एक कोर्स अगर आज किया तो वो 7 साल तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो कॉन्सेप्ट है एकेडमिक बैंक क्रेडिट का, दिस इज राइट नाउ अवेलेबल ओनली फॉर हायर एजुकेशन, इट इज़ नॉट फॉर सेकेंडरी और प्राइमरी एजुकेशन। ऐसा नहीं कि आप 8th स्टैंडर्ड में आप बोलेंगे कि मुझे एकेडमिक बैंक क्रेडिट के हिसाब से मैथ्स पढ़ना है और साइंस नहीं पढ़ना है, ऐसा आप नहीं कर सकते। यू कैन नॉट पिक और चूज व्हेन यू आर इन प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल। उसके अलावा फीस कैसे डिटरमाइन होगी? अब तो नया सवाल ये उठ जाता है कि एक ही स्टूडेंट 4-4 कॉलेज में पढ़ेगा तो फीस कैसे डिटरमाइन होगी? तो फीस डिटरमाइन होगी ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स रादर देन प्रोग्राम। मान लीजिए कि आपने फर्स्ट ईयर IIT कानपुर से पढ़ा तो IIT कानपुर आपको बस फर्स्ट ईयर का कोर्स का चार्ज करेगा, सेकंड ईयर आपने IIT दिल्ली से पढ़ा तो IIT दिल्ली आपको सेकंड ईयर के कोर्स का चार्ज करेगा। तो कोर्स के बेसिस पे फीस अब चार्ज किया जाएगा इफ दिस एकेडमिक बैंक क्रेडिट इज बीइंग यूज्ड, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्राम। ये नहीं कि सारे के सारे कॉलेजेज आपसे पूरे के पूरे 4 साल का फीस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फीस आपसे लेंगे, ऐसा नहीं किया जाएगा। और ओवरऑल ये जो सर्विस है एकेडमिक बैंक क्रेडिट का सर्विस, दिस विल बी मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अलॉन्ग विथ UGC। एक बात और, आपको अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को डिटेल में समझना है, इसके सारे एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझना है, तो आप हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 30th जुलाई 2021 देखिए। 29 जुलाई को ये रखा गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और 30 जुलाई 2020 को ये मैंने अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर कर दिया था। 30 जुलाई 2020 के न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने इसको कवर कर दिया था, आप उसको जाकर के डिटेल में समझ सकते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट इंडिया यूरोपियन यूनियन लीडर्स समिट एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए करेंट न्यूज़ क्या है, यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने एक समिट बुलाई, एक वर्चुअल समिट बुलाई जिसका नाम रखा गया इंडिया यूरोपियन यूनियन लीडर्स मीटिंग। इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया और इस मीटिंग के अंदर 3 मेन मुद्दों पे बातचीत हुई, जैसे सिक्योरिटी को लेकर के, टेररिस्ट स्ट्राइक्स या सिक्योरिटी कैसे स्ट्रेंथन की जा सकती है उस पे बात हुई, COVID-19 पे बात हुई, ट्रेड को प्रमोट करने पे बात हुई, तो इन सारे मुद्दों पे बातचीत हुई। कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं, उन इंपॉर्टेंट फैसलों को एक एक करके देखते हैं। कभी भी इंडिया यूरोपियन यूनियन पे सवाल आ जाए तो आपको रिसेंट इस इंडिया यूरोपियन लीडर समिट के बारे में मेंशन करके कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स लिख देंगे कंक्लूजन में, तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे।
तो ये आपको मेंस में बहुत काम आएगा अगर इंडिया यूरोपियन यूनियन पे सवाल आ जाए तो. तो आपको आपको लिखना है कि रिसेंटली इंडिया यूरोपियन यूनियन लीडर्स समिट वॉज हेल्ड एंड देयर सम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस वेयर मेड लाइक इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन अग्रीड टू इन्हांस बायलेटरल कोऑपरेशन ऑन डिजिटल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सच एज 5G एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो जो भी नई डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं जैसे 5G का भी ट्रायल हमारे देश में शुरू हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इन सब के लिए इंडिया और यूरोपियन यूनियन एक अग्रीमेंट साइन किया है और उसके हिसाब से हमने एक ज्वाइंट टास्क फोर्स भी सेटअप करने का फैसला लिया है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन मिल करके एक ज्वाइंट टास्क फोर्स सेटअप करेंगे ताकि दोनों ही एरियाज में 5G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजीज को प्रमोट किया जा सके. उसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया. इस अग्रीमेंट के हिसाब से 150 मिलियन यूरोज का आप फंड दिया जाएगा बाय यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक टू इंडियन गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू डेवलप पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट. तो एक तरह का लोन होगा 150 मिलियन यूरोज का जो भारत सरकार को मिलेगा इन ऑर्डर टू डेवलप पुणे मेट्रो रेल. उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूरोपियन यूनियन को इस बात के लिए भी धन्यवाद दिया फॉर ज्वाइनिंग कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर. तो हाल फिलहाल में यूरोपियन यूनियन ने कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंटरनेशनल फोरम है जिसको ज्वाइन किया है और इस कारण से प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूरोपियन यूनियन को धन्यवाद कहा, थैंक यू कहा. और मोदी जी ने इसको धन्यवाद यूरोपियन यूनियन को इसलिए कहा क्योंकि ये जो इंटरनेशनल फोरम है कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही शुरुआत की थी इसकी. तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि ये है क्या कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI. देखिए इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझिए. देखिए कभी भी नेचुरल डिजास्टर कहीं पे होता है, कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं फ्लड आ गया, तो उसके बाद सारे देश पहुंच जाते हैं इमीडिएट रिलीफ लेकर के कि अच्छा अब वापस से लोगों को हेल्प की जाए. तो इमीडिएट रिलीफ पोस्ट डिजास्टर में सब काम करते हैं लेकिन कोई भी डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में फोकस नहीं करता. ये मेन जो आइडिया है वो सोचने वाली बात है कि क्यों ना हम ऐसी बिल्डिंग्स ही बनाएं, ऐसे घर ही बनाएं जो डिजास्टर को झेल पाएं, डिजास्टर रिजिलियंट हो. जैसे ट्रेडिशनली ऐसे घर होते थे, फॉर एग्जांपल आप पुराने जो SMEs घर देखिए वो यहाँ के अर्थक्वेक या सेस्मिसिटी के हिसाब से बने हैं. एक फ्लोर से ज़्यादा होता नहीं था, रूफ भी आप देखिए किस तरह का होता था जिससे अगर अर्थक्वेक आ भी जाए तो कोई नुकसान ना हो. उसको कहते हैं डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर. लेकिन हाल फिलहाल में हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं और जब डिजास्टर हो जाता है तो फिर सारे देश पीछे भागते हैं कि चलो अब मदद करें. तो ये कॉन्सेप्ट लेकर के आए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व्हाइल एड्रेसिंग यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट ऑन 23 सितंबर 2019. तो उस टाइम में अपना स्पीच देते हुए मोदी जी ने कहा कि क्यों ना हम डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए कोलिशन बनाए, एक तरह का दुनिया भर में संगठन बनाए. और धीरे धीरे मिला करके बहुत सारे कंट्रीज ने अब ज्वाइन कर लिया. दे आर मोर देन 40 कंट्रीज हु आर पार्ट ऑफ दिस कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर. हाल फिलहाल में यूरोपियन यूनियन ने भी इसको ज्वाइन किया है और इस कारण से प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूरोपियन यूनियन को धन्यवाद कहा, थैंक यू कहा, क्योंकि ये इनिशिएटिव, ये ब्रेन चाइल्ड, ये कॉन्सेप्ट है प्रधानमंत्री मोदी का और वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया भर में कोलिशन बने, सब लोग इसका हिस्सा बने और पूरी दुनिया भर में डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो. एक और डाटा याद रख लो, डिजास्टर पे कभी सवाल आ जाए तो हम लिख सकते हैं कि सेंडाई फ्रेमवर्क 2-3 दिनों पहले मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया था. ह्यूगो फ्रेमवर्क वॉज रिप्लेस्ड बाय सेंडाई फ्रेमवर्क फ्रॉम 2015 टू 2030 जहाँ पे फोकस रहेगा डिजास्टर मिटिगेशन पे. ये सब तो मैंने आपको बताया था, हर तरह का डिजास्टर चाहे बायोलॉजिकल डिजास्टर हो, नेचुरल डिजास्टर हो, केमिकल डिजास्टर हो. तो सेंडाई फ्रेमवर्क में एक डाटा डिस्कस किया गया था, ये डाटा लाया गया था जिसमें बोला गया था कि अगर हम $1 खर्च करते हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे तो हम $7 तक बचा सकते हैं लॉन्ग रन में. आज हम जैसे घर बनाने में अगर बढ़िया सीमेंट डिजास्टर रिलीफ मटेरियल्स यूज करते हैं तो फ्यूचर में हम $1 के जगह पे या ₹1 के जगह पे ₹7 तक उससे बचा सकते हैं. सो ये डाटा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में इफ अ क्वेश्चन कम्स ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट. इट इज अबाउट 3rd Arctic Science Ministerial Conference. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस paper 3 इंटरनेशनल एजेंसीज पॉइंट ऑफ व्यू. तो आर्कटिक साइंस मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ये है क्या?
नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, काफ़ी इंट्यूटिव है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराया जाता है, दुनिया भर के लीडर्स मिलते हैं, एक्सपर्ट्स मिलते हैं एनवायरनमेंट के, और वो अपना अपना ओपिनियन एक्सचेंज करते हैं कि कैसे आर्कटिक एरिया को हम प्रिजर्व करके रख सकें, उसके एनवायरनमेंट को कंजर्व करके रख सकें और हम उसके बारे में और बेहतर समझ सकें ताकि हम उसको लंबे समय तक उसके एनवायरनमेंट को सस्टेन कर पाए। दैट इज़ द पर्पस ऑफ आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। करंट न्यूज़ ये है कि थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होस्ट किया जा रहा है बाय आइसलैंड एंड जापान। दिस इज़ बीइंग कंडक्टेड इन टोक्यो। तो 8th and 9th में को ये किया गया, ये थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराया गया इन टोक्यो एंड दिस इज़ बीइंग जॉइंटली होस्टेड बाय आइसलैंड एंड जापान। इस बार का थीम है नॉलेज फॉर सस्टेनेबल आर्कटिक। इसके पहले दो आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं। पहला आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस यूएसए ने होस्ट किया था इन 2016, दूसरा जर्मनी ने होस्ट किया था इन 2018, तीसरा 2020 में होने वाला था लेकिन वो हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, अब 2021 में हुआ है। आर्कटिक रीजन के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। आप सबको पता होगा कि इट इज इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ दिस आर्कटिक रीजन। इसका जो एरिया है अंडर आर्कटिक रीजन दैट इज आर्कटिक ओशन इटसेल्फ, दैट इज द सेंट्रल एरिया। उसके अलावा इट इज सराउंडेड बाय अलास्का ऑफ यूएस, कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रसिया एंड स्वीडन। तो ये सारे कंट्रीज हैं जिनको हम लोग आर्कटिक कंट्रीज बोलते हैं और ये रेड कलर से जो मैंने दिखाया दे आर नोन एज आर्कटिक रीजन। अब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आर्कटिक काउंसिल। इस आर्कटिक काउंसिल के मेंबर्स हैं आर्कटिक स्टेट्स, आर्कटिक स्टेट्स लाइक कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रसिया, स्वीडन एंड यूएस। यूएस क्योंकि यूएस का ये जो स्टेट है अलास्का दैट इज पार्ट ऑफ आर्कटिक रीजन। तो इन सब ने मिलकर के एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है आर्कटिक काउंसिल, जिसका पर्पस ये है कि इस एरिया के अंदर आर्कटिक रीजन के अंदर कोऑपरेशन डेवलप किया जाए ताकि इस एरिया के एनवायरनमेंट को कंजर्व करके रखा जा सके। आपको बस अपने पीटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात याद रखनी कि आर्कटिक काउंसिल का मेंबर इंडिया तो नहीं है क्योंकि हम आर्कटिक रीजन में नहीं पढ़ते हैं, बट इंडिया हैज़ गॉट ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ आर्कटिक काउंसिल सिंस 2013। एक बार आर्कटिक रीजन फिर से रिवाइज कर लेते हैं, आर्कटिक काउंसिल या आर्कटिक रीजन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रसिया, यूएस, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो ग्रीनलैंड इट्स अ लार्ज आइलैंड, लार्जेस्ट आइलैंड, तो ग्रीनलैंड इज अंडर सोवरेनिटी ऑफ डेनमार्क। सो तो कंट्री जो रिप्रेजेंट करेगा इस आर्कटिक काउंसिल में ग्रीनलैंड के तरफ से वो होगा डेनमार्क। अभी आर्कटिक रीजन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। आर्कटिक रीजन को लेकर के एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन हुई थी 1920 में जिसका नाम है स्वालबार्ड ट्रीटी। इस स्वालबार्ड ट्रीटी में बात की गई है टू कीप और अलाउ फ्री एक्सेस टू द आर्कटिक रीजन टू ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इस एरिया में रिसर्च डेवलपमेंट के लिए दुनिया के सारे कंट्रीज जा सकते हैं, अपना रिसर्च स्टेशन बना सकते हैं, लेकिन इसको मिलिटराइज कोई नहीं करेगा। ये नहीं कि वहां पे जाकर के अपनी आर्मी खड़ी कर दी। इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेटरी ऑफ स्वालबार्ड ट्रीटी और स्वालबार्ड ट्रीटी में जैसा कि आपने देखा कि इट इज ओपन और इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो फॉलोइंग दिस स्वालबार्ड ट्रीटी इंडिया ने एक परमानेंट रिसर्च स्टेशन भी बनाया है आर्कटिक के स्वालबार्ड एरिया में, जिस रिसर्च स्टेशन का नाम है हिमाद्री। यह है स्वालबार्ड एरिया जो ओरिजिनली नॉर्वे को बिलोंग करता है, स्वालबार्ड एरिया। और स्वालबार्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए स्वालबार्ड में वर्ल्ड सीड बैंक भी है, पूरे दुनिया भर के जो इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं उनके सीड्स यहाँ स्वालबार्ड में इकट्ठा करके रखे हुए हैं ताकि अगर वो प्लांट्स किसी कारण से ख़त्म भी हो जाएं, किसी डिजास्टर के कारण ख़त्म भी हो जाएं, तो वापस उन प्लांट्स को दुनिया में उगाया जा सके। तो वर्ल्ड सीड बैंक इज लोकेटेड हियर इन स्वालबार्ड। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है विथ रिस्पेक्ट टू स्वालबार्ड। याद रखना स्वालबार्ड ट्रीटी और स्वालबार्ड ट्रीटी के बेसिस पर रिसर्च स्टेशन हिमाद्री एंड देन स्वालबार्ड वर्ल्ड सीड बैंक। इस टॉपिक के बेसिस पर हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट, इट इज अबाउट ब्लैक फंगस। यहाँ पे जो कुछ भी हम डिस्कस कर रहे हैं दिस कैन बी आस्क्ड इन आवर प्रीलिम्स एग्जाम। तो देखिए करंट न्यूज क्या है, एक तरह की बीमारी फैल रही है जिसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस।
जिसको ब्लैक फंगस भी कहते हैं। ये बहुत सारे लोगों को हो रहा है, खासकर उन लोगों को हाल फिलहाल में जो कोविड 19 से रिकवर कर रहे हैं। एक बार कोविड हो गया, अब उससे रिकवर करते टाइम में हो क्या रहा है कि उनके शरीर की इम्यूनिटी कम हो जा रही है, और इम्यूनिटी कम होने के बाद ये ब्लैक फंगस अटैक कर रहा है उनके ऊपर, जिस कारण से एक बीमारी हो रही है म्यूकोर माइकोसिस। और ये म्यूकोर माइकोसिस वैसे ज़्यादातर उन लोगों को हो रहा है जो डायबिटिक हैं, उसके बाद कोविड 19 हो गया और कोविड 19 के बाद म्यूकोर माइकोसिस हो जा रहा है उनको। क्या होता है कि इस म्यूकोर माइकोसिस में एक तरह का फंगस होता है जिसका नाम होता है म्यूकोर, काले रंग का फंगस होता है। नॉर्मली सॉयल में, प्लांट्स में ये मिलता है, सरे गले फ्रूट्स में ये मिलता है, एक काले रंग का फंगस म्यूकोर। और ये म्यूकोर जो है वो बॉडी को इन्फेक्ट करने लगता है, इस तरह से होने लगता है स्किन के ऊपर ये म्यूकोर, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक फंगस या फिर म्यूकोर माइकोसिस। प्रॉब्लम क्या है, देख के तो आपको लग रहा होगा ठीक है नॉर्मल हो जाएगा, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस म्यूकोर माइकोसिस में मॉर्टेलिटी रेट लगभग 50% के आसपास है, इनफैक्ट 54% टू बी वेरी प्रिसाइज। तो आधे से ज़्यादा लोग मर जा रहे हैं जब म्यूकोर माइकोसिस हो रहा है। तो मुद्दा ये है कि कोविड हो गया, कोविड से बच गए तो म्यूकोर माइकोसिस होने का खतरा बढ़ जा रहा है। म्यूकोर माइकोसिस होने के बाद भी हो गया तो 50% तक मॉर्टेलिटी रेट है। कोविड की मॉर्टेलिटी रेट तो हार्डली 1-2% है, म्यूकोर माइकोसिस की 50% है। और ये इस कारण से अब इसका एक नया डर फैल रहा है आफ्टर कोविड 19 कि भाई कोविड से बच भी गए तो भी बहुत सतर्क रहना है फ्रॉम सच डिजीज लाइक म्यूकोर माइकोसिस। दूसरा तो आपको पता ही है कि कोविड से बचने के बाद भी कई सारे लोगों को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आ जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो अब, तो मुद्दा सरल है कि अगर अभी तक कोविड नहीं हुआ है तो बच के रहो। ये मत सोचना कि कोविड से बच गए तो हो करके बच जाएंगे सब लोग और बच गए तो सब ठीक है। कोशिश यही करनी है कि कोविड हो ही नहीं और हम वैक्सीन ले लें पहले ही, कोशिश यही करनी है अपनी। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is taken from Assam segment. It is about 15th Chief Minister of Assam. This topic is important from our syllabus, Paper 6, Assam Polity Point of View. ये जो news है आप सबने पहले ही सुन रखा होगा, but चूंकि ये इतना important news है Assam को लेकर कि मुझे इसको cover करना ही था, इसको बताना ही था, just to complete the formality. तो आप सबको पता होगा हिमंतो बिस्व शर्मा साहब आज उन्होंने असम के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ले लिया है। ही विल बी नाउ 15th चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट असम। आफ्टर इंडिपेंडेंस ही विल बी 15th चीफ मिनिस्टर। और इन्होंने शपथ ग्रहण जो किया है वो सेरेमनी कंडक्ट कराया गया एट श्री शंकर देव कला क्षेत्र एरिया। यहाँ पे अभी तक के जो 15 चीफ मिनिस्टर हुए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, गोपीनाथ बरदलोई साहब से गिनिएगा, मोहम्मद सदुल्लाह वॉज बिफोर इंडिपेंडेंस द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस टोटल 14 जो चीफ मिनिस्टर हुए उनके नाम यहाँ मैंने करके दे रखा है, राइट फ्रॉम गोपीनाथ बरदलोई टू सर्बानंद सोनोवाल जी। और अब 15th चीफ मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस विल बी श्री हिमंतो बिस्व शर्मा साहब। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कुछ फैक्चुअल बातें लिखी हैं, आप सबको पता भी होगा, ये इंडियन एक्सप्रेस में बातें लिखी इनके बारे में, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। हिमंतो बिस्व शर्मा हु वॉज इन कांग्रेस फॉर 20 ईयर्स टिल 2015 has seen a meteoric rise in BJP. He played a crucial role in the BJP and its allies sweeping the 7 states of the Northeast, 17 out of 24 Lok Sabha seats in 2019 elections. तो 2019 election में 24 में से 17 सीटें जीती। और वैसे तो ये political news है लेकिन फिर भी ये मजे important बात इसलिए है क्योंकि Citizenship Amendment Act के बाद से ऐसा लग रहा था कि जो पार्टी है रूलिंग पार्टी सेंटर में बीजेपी, उसको कम सीटें मिलेंगी असम में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके पीछे हिमंतो बिस्व शर्मा साहब का चमत्कार ही है, उनका आप समझो पॉपुलैरिटी है कि सीए के बाद भी स्टेट के अंदर बीजेपी को अच्छी सीटें मिली हैं। इन आर सेगमेंट मोस्ट प्रोबेबल प्रीलिम्स टॉपिक्स फॉर यूपीएससी टुडे वी विल कवर टॉपिक नंबर 151 टू 155। टॉपिक नंबर 151 इज अबाउट खेसम आइलैंड। इट इज एन एरो शेप्ड ईरानियन आइलैंड इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन लैंड बाई क्लारेंस और खुरान स्ट्रेट। ये देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी कहते हैं इसको, इन द पर्सियन गल्फ। इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन ईरान। तो ये ईरान का सबसे बड़ा आइलैंड और यहाँ पे है खुरान स्ट्रेट, यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। एक और भी आप याद रखना, ये जो पोर्ट है बंदर अब्बास पोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और चाबहार तो है ही है, चाबहार तो यूपीएससी में इतना सिंपल है कि आएगा भी नहीं।
Topic number 152 is about Kiruna and Galivare. These are the mines which are largest and most modern underground iron mines in the world. These mines are located in Sweden. ये देखिए Sweden के अंदर ये Kiruna mines located हैं. They are the most largest or most modern iron mines, underground iron mines in the world. Please attempt this question based on topic number 152. Topic number 153 is about National Clean Air Program. It was launched by Union Ministry of Environment in 2019. It was launched under Environment Protection Act. Its major goal is to reduce the concentration of particulate matter 2.5 and particulate matter 10 by 20%. By 2024 with respect to 2017. और इसके अंदर 102 सिटीज़ को टारगेट किया जाएगा. ज़्यादातर जो सिटीज़ हैं वो टीयर टू या टीयर थ्री सिटीज़ हैं, एक्सेप्ट सम मेट्रो सिटीज़ लाइक मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर एंड दिल्ली. दिस सिटीज़ वेयर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एम्बियंट एयर क्वालिटी डाटा का फ्रॉम 2011 टू 2015. महाराष्ट्र हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीज सेलेक्टेड अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. प्लीज अटेम दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 153. टॉपिक नंबर 154 इज अबाउट माउंट किला मोन्जारो. इट इज अ डॉर्मेंट वोल्कैनो इन टंजानिया. इट हैज़ थ्री वोल्कैनिक कोन्स, कीबो, मावेंजी एंड सीरा. इट इज़ द हाइएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका एंड हाइएस्ट सिंगल फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड विथ हाइट अबाउट 5,895 मीटर अबोव सी लेवल. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 154. टॉपिक नंबर 155 इज अबाउट पार्टिसिपेटरी नोट्स. देयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इज सूड बाई अ रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टू एन ओवरसीज इन्वेस्टर who wishes to invest in Indian stock market without registering themselves with the market regulator, which is the Security and Exchange Board of India. P notes are offshore derivative instruments with equity shares or debt securities as underlying assets. While the foreign institutional investors have to report all such investment each quarter to SEBI, they need not to disclose the identity of the actual investors. This makes them source of मनी लॉन्ड्रिंग. वैसे पार्टिसिपेटरी नोट्स मैंने पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी कवर कर रखा है. आई होप आपको वहाँ से भी वो याद आ रहा होगा, साधु यादव वाला वो वीडियो. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. दिस इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 146-150 दैट वी हैड गिवन इन यस्टरडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस. टुडेज क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्टेड बाय स्टूडेंट्स एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. वी विल बी शेयरिंग आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस इन टुमारोज न्यूज़पेपर एनालिसिस. कल जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2016 प्रोहिबिट्स एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 18 ईयर्स. दिस इज रॉन्ग. इट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स. इट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 18 ईयर्स इन हजार्डस इंडस्ट्री. आईलो कन्वेंशन नंबर 182 डील्स विद प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी टू ओनली. Which of the following are correctly matched? Mount Fuji is in Japan, Mount Krakatoa is in Indonesia and Mount Sinabung is also in Indonesia. So the correct answer will be 1 and 2 only. Correct answer will be option B. Path, foam path in aviation industry. It is a liquid suppressant sprayed on the surface beyond before belly landing of a plane. It is right, but the second statement is wrong because you must have seen the hints where I said that International Civil Aviation Organization has recommended against it. So the second statement will be wrong. Correct answer will be option A, one only. That's all from our side for today. Thanks for watching.